अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मतलब है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स, उनकी हेडिंग्स जो है वो आपको बता चुका हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हम तमाम के तमाम जो हैं वो एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, उनकी डिटेल जो थी अब इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम, वो हमने पढ़नी थी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के दो लेवल्स, सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल पे होगा। दूसरे नंबर पे दूसरा जो लेवल होगा वो मॉलिक्यूलर लेवल होगा। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के में हमने ये पढ़ा था कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स में ये पढ़ना है कि इंसान जितने एलिमेंट से मिलके बना है, उन एलिमेंट से मिलके जो हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल बना है। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर लेवल से जो है वो सेलुलर लेवल है, उसके बाद टिश्यू का लेवल है, ऑर्गन लेवल है, सिस्टम लेवल है, इंडिविजुअल लेवल है, पॉपुलेशन लेवल्स है, उसके बाद कम्युनिटी लेवल है, बायोस्फीयर लेवल्स है। इन तमाम की डिटेल जो है वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर दो लेवल की डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जितनी भी कायनात के अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं, हम आसान अल्फाज में उनको कहते हैं कि ये क्या है, मैटर है, क्या है, मादा हम उसको कहते हैं। ये क्या है? मादा। अब मादा किस चीज़ से बना है? जो मैटर है वो किस चीज़ से बना है? एलिमेंट से। जितने भी ये आपको मैटर से नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ ले लें, चेयर ले लें, फ़ैन ले लें, ये चारपाई आपके पास पड़ी होगी, बेंच है, डेस्क है, ये क्या है? इनको हम कहेंगे मैटर। और ये किस चीज़ से बना हुआ है? एलिमेंट से। अब जितनी भी मैटर्स हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं? एलिमेंट से। जितने भी मैटर्स हैं वो एलिमेंट से बने हैं, और एलिमेंट्स के अंदर जो हैं वो एक ही तरह के जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं वो किससे मिलके बनी है? एलिमेंट से। और एलिमेंट्स के अंदर, अब एलिमेंट्स की डेफिनेशन करें तो एक एलिमेंट के अंदर एक जैसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक एटम की बात करें तो एक एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी कुछ बेसिक पार्टिकल होते हैं, जिनमें यहाँ पे मैंने रफ सा डायग्राम ड्रा किया है कि एक एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हैं। और एटम का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर भी जो है वो दो तरह के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो इसके मुख्तलिफ ऑर्बिट में शेल के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। लेकिन मेजर जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेबल हैं। इनसे मिलकर क्या बनता है? एक एटम। ठीक है, अब बच्चों एटम की बात करें कि दुनिया के अंदर ये जितने भी इंसान हैं इनके अंदर जो इनका बिल्डिंग मटेरियल्स है, इसमें सबसे जो बेस है वो एटम्स है। और अब तकरीबन कायनात के अंदर जो है 92 से अबव के एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब बच्चों इतने एलिमेंट्स में से जो हैं वो तकरीबन 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी का टोटल मास बना रहे हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का टोटल मास बना रहे हैं। अब उन 16 एलिमेंट्स को जो कि हमारी बॉडी का टोटल मास बना रहे हैं उनको क्या कहेंगे? बायो एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? बायो एलिमेंट्स। अब उन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरी बॉडी का 99% मास बना रहे हैं। पूरी बॉडी का 99% मास जो है वो उसकी वजह से है। वो उन 16 में से 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? उनमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, उसके बाद फॉस्फोरस है। ये क्या है? बायो एलिमेंट्स। 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि पूरी बॉडी का तकरीबन जो है वो 99% मास इनकी वजह से। अब बाकी जो 1% मास है उनमें कितने एलिमेंट्स होंगे? उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? 10 एलिमेंट्स। वो कौन से हैं? पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोराइड या क्लोरीन है, सोडियम है, फेरस है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड है, जिंक है और आयोडीन है। ये 10 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो कि पूरी बॉडी का 1% मास को बना रहे हैं। अब बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर एटॉमिक पार्टिकल बनते हैं, और किसी एलिमेंट्स के अंदर एक ही तरह के एटॉमिक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये एक बात जहन में रहे
कि हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जितने भी एटॉमिक लेवल है या जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है। जितने भी बॉडी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म से मतलब ये है कि ये अकेले अकेले जो है ये स्टेबल नहीं है कि ये जी कार्बन है ये अकेला रह रहा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल की सूरत में है। यानी इन्होंने आपस में आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब उसकी तरफ हम चलते हैं तो दूसरे नंबर पे हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो पढ़ना है, मॉलिक्यूलर लेवल। तो यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं बॉडी के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है, बल्कि या तो ये आयोनिक बॉन्ड की सूरत में प्रेजेंट है या जो है ये कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में प्रेजेंट है, और तकरीबन 100 से भी ज़ायद ऐसे जो बॉन्ड्स हैं जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। अब इनकी बॉन्डिंग की वजह से ये जो मॉलिक्यूलर लेवल है, यानी हमने देखें, अब ये तो हम जान चुके हैं कि कार्बन क्या है जी, एलिमेंट है जी, H हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, RO एलिमेंट है, ठीक है, और हमने ये पढ़ लिया है कि एलिमेंट्स जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते बल्कि बॉन्ड की सूरत में रहते हैं। अब जब ये तीन एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे C6H12 और O6, तो ये एक जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होगा, इसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये एक किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल। और अगर इनको लदा-लदे करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स कौन सा बना था, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना था, ठीक है बच्चों। ऐसे ही मॉलिक्यूलर लेवल में ये तमाम एटम्स मिलके जो है वो आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड से मिलके क्या बनाते हैं, या तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं या ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे दो अकसाम के बायो एलिमेंट बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बायो मॉलिक्यूल्स टाइप्स या क्लासिफिकेशन अगर बायो मॉलिक्यूल्स की करें हम, तो बायो मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे नंबर पे है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन इस वजह से की गई है कि इनकी बॉन्डिंग पोजीशन की वजह से इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, अगर इस लफ्ज़ को कट करें तो माइक्रोस्कोप हम पढ़ते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स के अश्तराकियत से जो हमारे पास सब्सटेंस आता है वो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मॉलिक्यूल के से मतलब यहाँ पे ये होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उसके अंदर क्या होगा, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और H2O वाटर, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। दूसरा नंबर है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब है बड़ा, ठीक है, माइक्रो बारीक है, मैक्रो उससे बड़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी ये इनका मॉलिक्यूलर वेट, इन बायो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा है, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर और ज़्यादा वाले जो वेट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं स्टार्च है, उसके बाद ये ग्लाइकोजन है, ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रोटीन की बारी आती है और उसके बाद लिपिड्स का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से बच्चों आज हमने पढ़ा एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल, और उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट दो लेवल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।